नमस्कार, देचू चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान मौसम के बारे में। आज 1 जनवरी 2022 से लगाकर 10 जनवरी 2022 तक कैसा रहेगा मौसम। तो राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाए 1 जनवरी से लगाकर लगभग 10 जनवरी तक लगातार बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। हालांकि 2 जनवरी के आसपास में कुछ बादलों की आवाजाही थोड़ी घटने की संभावना। हालांकि 3 जनवरी से देखा जाए फिर से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों पर पड़ने की संभावना रहेगी। और 4 जनवरी के आसपास में राजस्थान के बीकानेर संभाग के कुछ एक जिलों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश भी होने की संभावना है। लेकिन 3 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ की राजस्थान में दस्तक देने की संभावना है, जो कि 10 जनवरी तक काफ़ी जगहों पर लगातार मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना है। जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के कई जिलों में मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश का दौर है, जो कि 5 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के बीच में लगातार बने रहने की संभावना है। तो सबसे पहले राजस्थान के दक्षिण पश्चिम जिलों की बात कर लेते हैं। 1 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी तक का कैसा रहेगा मौसम। यहाँ पर जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में देखा जाए तो लगभग 3 जनवरी तक का मौसम ज़्यादातर क्षेत्रों में शुष्क बना रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही लगातार बने रहने की संभावना है। हालांकि 2 जनवरी के आसपास में देखा जाए तो जैसलमेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर हैं, बाड़मेर के क्षेत्रों में ज़्यादातर क्षेत्रों में तेज़ धूप खिली रहेगी, बीच बीच में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। लेकिन 3 जनवरी की शाम के टाइम देखा जाए तो जैसलमेर के क्षेत्र हैं, जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्र हैं और बीकानेर संभाग के जिलों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर घने बादलों की यानी पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव देखने को मिलेगा। और 4 जनवरी के आसपास में जो बीकानेर संभाग के बीकानेर हैं, गंगानगर है, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में छोटपुर जगहों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। हालांकि जोधपुर संभाग की बात करें, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में देखा जाए लगभग 5 जनवरी को कई जिलों में मध्यम से लगाकर हल्की बारिश होने की संभावना है। और 5 जनवरी के आसपास में देखा जाए जैसलमेर हैं, जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्रों समेत देखा जाए 5 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी तक लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन 5 जनवरी की सुबह की टाइम देखा जाए जैसलमेर के कुछ क्षेत्रों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और 5 जनवरी की दोपहर से लगाकर 6 जनवरी हैं, 7 जनवरी के आसपास हैं, 8 जनवरी के आसपास में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, सिरोही के क्षेत्रों में लगभग जोधपुर संभाग के संपूर्ण क्षेत्रों में 5 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के बीच में कई जिलों में मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना है। उसके बाद बात करेंगे दक्षिणपुर जिलों की। दक्षिणपुर जिलों में देखा जाए तो अगले 24 घंटों तक ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा, किसी भी प्रकार की बारिश की गतिविधि यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी देखा जाए आने वाले मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण है, जो कि लगभग 5 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी तक कई जिलों में मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। यहाँ पर देखा जाए हल्के बादलों की आवाजाही लगातार बने रहने की संभावना है। हालांकि 2 जनवरी के आसपास में कल देखा जाए तो इन जिलों में कुछ बीच बीच में काफ़ी धूप खिली रहेगी, लेकिन बादलों की आवाजाही लगातार बने रहने की संभावना है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए 5 और 6 जनवरी के आसपास में जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर घने बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और हल्की से लगाकर मध्यम खंड पहुँचारे गिरने की संभावना रहेगी 5 जनवरी के आसपास में। और 6 जनवरी हैं, 7 जनवरी को देखा जाए तो उदयपुर संभाग, कोटा संभाग के कई जिलों में हल्की से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना है। उसके बाद बात करेंगे उत्तरपुर जिलों की। उत्तरपुर जिलों में देखा जाए तो अगले 24 घंटों तक ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर आने वाले मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के कारण है 5 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के बीच में काफ़ी जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर नागौर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, दौसा के क्षेत्र हैं, चुरू हैं, झुंझुनू हैं, सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो जो 3 जनवरी के आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, जो कि 5 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी के बीच में कई जिलों में मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना है। और जयपुर संभाग के, अजमेर संभाग के जिलों में देखा जाए तो 7 और 8 जनवरी के आसपास में मध्यम से लगाकर तेज़ बारिश होने की संभावना है। और 5 जनवरी से लगाकर 10 जनवरी तक देखा जाए जयपुर संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग के जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। उसके बाद बात करेंगे उत्तर पश्चिम भागों की। उत्तर पश्चिम भागों में देखा जाए तो अगले 24 घंटों तक ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के बीच में मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए 3 जनवरी के आसपास में बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव है, जो कि काफ़ी देखने को मिलेगा। और 4 जनवरी के आसपास में गंगानगर है, हनुमानगढ़ के क्षेत्र हैं, कुछ बीकानेर के जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं, यहाँ पर देखा जाए कहीं कहीं हल्की मध्यम खंड बचाव गिरने की संभावना है। और 5 जनवरी के आसपास में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर के पश्चिम क्षेत्र हैं, जैसलमेर के क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर हल्की से लगाकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है, जो कि 5 जनवरी की सुबह की टाइम देखा जाए बारिश का दौर जारी रह सकता है। और 6 जनवरी की सुबह से लगाकर लगभग लगातार 10 जनवरी तक बारिश का दौर रुक रुक करके जारी रहने की संभावना रहेगी। तो ऐसा रहेगा लगभग राजस्थान क्षेत्रों का मौसम। जय हिंद, जय भारत।